वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे मोटरसाइकिल का ये मिरघाट है कुछ इस टाइप से टूट चुका था, तो मैं इसको ले गया हूँ मैकेनिक के पास। अभी मैकेनिक इसको डालेगा, लेकिन इसको दोस्तों आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हो। ये वीडियो मैंने दोस्तों इसलिए बनाया है क्योंकि जो मैकेनिक से मैंने ये मिरघाट चेंज करवाया था वहाँ से मेरे को कॉस्ट बहुत ले लिया गया। और उसके बाद दोस्तों मैंने जब दूसरी शॉप पर पूछा, इसका मिरघाट का जो प्राइस था बहुत ही कम बताया। और आपको एक बार मैं नया मिरघाट दिखा देता हूं कि इसका जो नया मिरघाट है वो कहां पे पड़ा हुआ है। ये देखिए आप दोस्तों, ये यहां पे ये जो नया मिरघाट है यहां पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये नया मिरघाट होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो नया मिरघाट हम खुद से डाल नहीं सकते, लेकिन आप दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीके से घर पर डाल सकते हो। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के मोटरसाइकिल में ये मिरघाट डाला था। ये देखिए दोस्तों, यहां पर दो नट होते हैं, आप देख सकते हो ये डॉट मैंने लगा रखे हैं, यहां पर दो नट होते हैं। ये पूरा टायर निकालने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, आप ये दो नट खोल दीजिए, आपको यहां पे 13-14 नंबर की चाबी लगेगी दोस्तों। आप 13-14 नंबर की चाबी लगा के दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इन दोनों नटों को खोल के, और जस्ट इसके ऑपोजिट सामने दो नट और लगे होते हैं, वो दो नट आपने खोल लेने हैं। मतलब कि आपके चार नट लगे होते हैं मिरघाट के अंदर, और यहां पर दोस्तों पत्तियां भी लगी होती हैं, वो भी आपने खोल लेनी है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं दोस्तों ये पूरा जो मिरघाट है वो आपको चेंज होते हुए दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि इसको आपने घर पे कैसे चेंज करना है, ताकि आपकी जो कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा ली जाती है वो आपकी बच सके। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा ये जो स्टैंड मैंने आपको अभी दिखाया है ये मैंने खुद से चेंज किया था और घर पे चेंज किया था और स्प्रिंग भी डाल दिया था। तो इसी टाइप से आप अपने घर पर इस मिरघाट को चेंज कर सकते हो। ये जो सारी बातें हैं दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको है जो चार्ज ना देना पड़े, आपका जो पैसा है वो सेफ रह सके। आपको मैं एक बार मिरघाट दिखा देता हूँ। आप देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप से इसके बीच में पत्ती लगी होती है। इसी पत्ती के अंदर दोस्तों आमने सामने दो दो होल होते हैं जिनके अंदर नट लगाया जाता है और मिरघाट को कस दिया जाता है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर मेरा चार्ज लग गया है तो मैं चाहता हूं कि आपका चार्ज ना लगे, इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग सेफ रहें, सतर्क रहें और इस वीडियो को देखें, और आप अपने घर पर बहुत ही आसान तरीके से मिरघाट को चेंज कर लें। आपके दोस्तों कम से कम आपके 200 रुपये बचने वाले हैं अगर आप खुद से इसको चेंज करते हो। आप देखिए ये जो दो पत्तियां हैं इनको आपने ध्यान में रखना है, जब आपने मिरघाट निकालना है तब आपने ये दोनों पत्तियां निकाल लेनी है यहाँ से, और आपने जो नया मिरघाट लगाना है उनमें ये दोनों पत्तियां लगा देनी है। आप देख सकते हो दोस्तों ये नट पड़े हैं, ये जो पत्तियां पड़ी हैं इनका आपने खास करके ध्यान रखना है। और ये जो नया मिरघाट है इसके अंदर आपने ये देखिए होल दे रखे हैं, इनके अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप नट लगा के अपने मिरघाट को लगा सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इसको मिरघाट को इसके अंदर पत्ती लगा के इस टाइप से आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से अपने मिरघाट को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे चेंज कर सकते हो। मैंने सोचा था कि इसका पूरा टायर खोलना पड़ेगा, इसलिए मैं ये मैकेनिक की शॉप पर ले गया और मैंने चेंज करवा लिया। जब मैंने चेंज करवा लिया उसके बाद दोस्तों जो है मैकेनिक सर्विस मेरे से 200-150 रुपए ले लिया गया। तो आपका दोस्तों 200-150 रुपए ना लगे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने कुछ इस टाइप से इस घाट को चेंज कर लेना है। ये देखिए दोस्तों इस टाइप से ये पत्ती लगा दी, और इसी टाइप से दूसरी साइड में पत्ती लगा दी, और पत्ती लगाने के बाद दोस्तों जैसे इसको हमने खोला था कुछ उसी टाइप से 13-14 नंबर की चाबी लगा के इसको टाइट कर देना, बस कहानी खत्म। यहाँ पे अपना मिरघाट जो है चेंज हो जाएगा और हमारा जो मिरघाट है वो नया हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो पूरा देख लीजिए और मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाऊंगा। ये नहीं है आपको बीच में छोड़ के जाऊंगा, आप देख लीजिए, आप खुद अपने आंखों से देखिए। ये पत्तियां लगा दी, पत्तियां लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो परली साइड भी पत्ती लगा दी है और इस साइड भी पत्ती लगा दी है, दोनों साइड पत्ती लगा दी है। अब इसमें क्या होगा, जो 13-14 नंबर की चाबी है उसको लेना है, और ये जो नट हमने खोले थे वो लेने हैं, और कुछ इस टाइप से ये नट लगा के पहले हाथ से थोड़ा हल्का सा टाइट कर लेना है। हल्का सा हाथ से टाइट करने के बाद चाबी लगानी है, चाबी से इनको टाइट कर देना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। Thank you.
देखा दोस्तों आप लोगों ने कुछ इस टाइप से ये मरघाट को चेंज कर दिया जाता है। पहले आपने नट खोलने हैं ये, और उसके बाद दोस्तों आपने इसको जब टाइट करना है तो पत्ती लगा के पहले हाथ से टाइट कर लेने नट, फिर उसके बाद 13-14 नंबर की चाबी लगा के इसको टाइट कर देना है नट को, और उसके बाद दोस्तों आपका जो मरघाट है वो चेंज हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर पर चेंज कर सकते हो। मेरे को दोस्तों इसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए मेरा यहाँ पर पैसा डूब गया। मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा ना डूबे, इसीलिए दोस्तों मैंने ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आपको बना के दिखा दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। ये हमारा पुराना मरघाट निकल के यहाँ पे आ गया है। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।